गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 6. यस्टरडे वी हैव डन रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 6 एंड यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 6. एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस बैक एक्सरसाइज of chapter number 6. Okay, so let's start. Something to know. First part, fill in the blanks. Number 1, butterflies are attracted to dash flowers. Butterflies are attracted to fresh flowers. Butterfly किसकी तरफ attract होती हैं, आकर्षित होती हैं? Fresh flowers की तरफ. ओके, अगर एक पॉट में फ्रेश फ्लावर्स हैं और एक पॉट में, सेकंड पॉट में आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं पेपर के, तो बटरफ्लाइज किसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं? जो फ्रेश फ्लावर्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं. ओके, सेकंड, हनी बीज सक डैश फ्रॉम फ्लावर्स. हनी बीज मधुमक्खियाँ फ्लावर्स से क्या सक करती हैं? फ्लावर से जूस को सक करती हैं. फ्लावर्स के जूस को क्या बोलते हैं? नेक्टर. हनी बीज सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. नंबर 3, द सिक्स साइडेड चैम्बर्स ऑफ बीहाइव्स आर कॉल्ड डैश. द सिक्स साइडेड चैम्बर्स ऑफ बीहाइव्स आर कॉल्ड कॉम्ब्स. जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, सिक्स साइड चैम्बर्स, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्ब्स, COMBS. नेक्स्ट, 4, मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल डैश. मलेरिया इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. जो मलेरिया डिसीज़ है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से, कट करने से फैलती है. ANOPHELES, एनाफिलिस मॉस्किटो. ओके, नेक्स्ट, द कवर वीव्ड बाय अ सिल्क मोथ अराउंड इट्सेल्फ इज कॉल्ड अ डैश. सिल्क मोथ अपने थ्रेड से, जो उसके माउथ से सीक्रेट होता रहता है, निकलता रहता है, उससे एक कवर बनाता है. ओके, और उसको फिर उस कवर से अपने आप को सिल्क मोथ लपेट लेता है, कवर कर लेता है. ओके, उस थ्रेड से अपने आप को कवर कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? डैट इज कॉल्ड ए कोकून. द कवर वीव्ड बाय अ सिल्क मोथ अराउंड इट्सेल्फ इज कॉल्ड अ कोकून. नेक्स्ट, नंबर 6, बीज एंड डैश आर स्टिंगिंग इंसेक्ट. स्टिंगिंग इंसेक्ट जिनके बैक में एक स्टिंग होता है. ओके, छोटी सी स्टिंग होती है और जिससे डंक लग जाता है और हमारी जो बॉडी है, वो जो एरिया है जहाँ पे स्टिंग लगता है, वहाँ की बॉडी हमारी रेड हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है. तो स्टिंगिंग इंसेक्ट कौन से हैं? बीज एंड वास्प्स. ओके, विद दिस फिल इन द ब्लैंक्स इज कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. नंबर 1, इंसेक्ट्स हेल्प इन पोलिनेशन. इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर्स टू अनदर फ्लावर्स. एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफ़र कौन करता है? बटरफ्लाइज. बटरफ्लाई भी एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन, डैट इज़ ट्रू. नेक्स्ट, लैक इंसेक्ट्स ग्रो ऑन बनियन ट्रीज. जो लैक इंसेक्ट्स होते हैं वो बनियन ट्री पे ग्रो करते हैं, डैट इज़ ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट, हाउस फ्लाइज स्प्रेड मलेरिया. हाउस फ्लाइज मक्खियाँ, क्या मक्खियाँ मलेरिया डिसीज़ फैलाती हैं? नो, मलेरिया डिसीज़ कौन फैलाता है? मॉस्किटोज. सो दिस इज़ फॉल्स. नेक्स्ट, 4, एडीज मॉस्किटो स्प्रेड डेंगू. जो डेंगू डिसीज़ है, डेंगू बीमारी है, वो एडीज मॉस्किटो के कट करने से होती है, बाइट करने से होती है, डैट इज़ ऑल्सो ट्रू. लास्ट इज़ ब्यूबोनिक प्लेग इज कॉज्ड बाय अ मॉस्किटोस. ब्यूबोनिक प्लेग जो डिसीज़ है वो मॉस्किटो की वजह से होती है? नो, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज ब्यूबोनिक प्लेग इज कॉज्ड बाय फ्लीज.
Okay, with this, true and false is complete. Now, C part, tick the correct options. Number 1, the insect that usually spread jaundice. Jaundice disease किस इंसेक्ट की वजह से होती है, कौन सा इंसेक्ट ऐसा है जो जॉन्डिस डिसीज को स्प्रेड करता है, जॉन्डिस जिसमें लूज मोशंस हो जाते, ओके, वॉमिटिंग भी लगती है. मॉस्किटो, वॉस्प, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई. हाउस फ्लाई की वजह से जॉन्डिस हो जाता है. इसमें हमारी जॉन्डिस में हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और लीवर पे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है. और हाउस फ्लाई क्या करते हैं, ये हमारे फूड को, अनकवर्ड फूड पर अपने जर्म्स छोड़ जाते हैं, ठीक है, जिससे जॉन्डिस जैसी और बहुत सारी डिसीज़ फैल जाती हैं. नेक्स्ट इज हनी बीज मेक हनी फ्रॉम. हनी बीज हनी किससे बनाती हैं, हनी बीज मधुमक्खियाँ. हनी शहद किससे तैयार करती हैं, लैक से, नेक्टर से, मिल्क से या शुगर से. आंसर इज नेक्टर. हनी बीज फ्लावर से नेक्टर को सक करती हैं और उससे हनी शहद बनता है. थर्ड इज द स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स लाइक द बीज एंड वास्प इज लोकेटेड ऑन देयर. जो वास्प और बीज इंसेक्ट्स हैं, स्टिंगिंग इंसेक्ट जिन्हें हम कहते हैं, तो स्टिंग इन कहाँ पर फाउंड होता है, कहाँ पर होता है इनके स्टिंग, विंग्स में, बैक में, माउथ में या लेग में. बैक में, स्टिंगिंग इंसेक्ट के बैक में छोटा सा स्टिंग होता है, ओके. नेक्स्ट लास्ट इज एन इंसेक्ट दैट हेल्प टू सेव आवर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट. वो कौन सा इंसेक्ट है जो हमारी क्रॉप्स को, फसल को पेस्ट से बचाता है. पेस्ट होते हैं छोटे छोटे कीट होते हैं जो फसलों पर लगते हैं, जीव जंतु छोटे छोटे, ओके. तो उनको, उनसे हमारी क्रॉप्स को कौन सा इंसेक्ट बचाता है, वास्प, बी, बटरफ्लाई और लेडी बर्ड बीटल. आंसर इज लेडी बर्ड बीटल. लेडी बर्ड बीटल जो इंसेक्ट है वो हमारी क्रॉप्स को पेस्ट से बचाता है, ओके स्टूडेंट. विद दिस Part C is complete and with this your exercise is complete also. So students, I hope it's understood to you. You have to note down this exercise in your science book also. Okay students, thank you. Have a nice day.